कनाडा में एक बार फिर से हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। इस बार मिसिसांगा स्थित राम मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखने का मामला सामने आया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। मामला संज्ञान में आने पर टोरंटो स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी निंदा की है, साथ ही कनाडा के अधिकारियों से घटना की जांच कर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। दूतावास ने ट्वीट किया, हम मिसिसांगा में राम मंदिर पर भारत विरोधी ग्राफिटी करने की कड़ी निंदा करते हैं। हमने कनाडा के अधिकारियों से घटना की जांच करने और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। वहीं मामले पर ब्रैम्पटन के मेयर का भी बयान सामने आया है। पैट्रिक ब्राउन ने ट्वीट करते हुए लिखा, मिसिसांगा में राम मंदिर में नफरत से प्रेरित घटना के बारे में सुनकर मुझे काफी दुख हुआ। अज्ञात संदिग्धों ने मंदिर के पिछले हिस्से में दीवारों पर स्प्रे पेंट कर दिया। क्षेत्र में इस प्रकार की नफरत करने के लिए कोई जगह नहीं है। पील पुलिस इस अपराध को बहुत गंभीरता से ले रही है। 12 डिवीजन अपराधियों की तलाश में है। कनाडा में धार्मिक स्वतंत्रता एक चार्टर अधिकारी है और हम ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि हर किसी का पूजा स्थल सुरक्षित रहे। इससे पहले इसी पिछले महीने में ब्रैम्पटन के गौरी शंकर मंदिर में हिंदू विरोधी नारे लिखे गए थे, साथ ही मंदिर में तोड़फोड़ का मामला भी सामने आया था।